आज हम बनाएंगे मॉनसून स्पेशल आलू के लच्छा पकौड़े। ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और इंस्टेंट से बनके तैयार हो जाते हैं। जैसे कि सभी को पता है, मॉनसून आ चुके हैं और मॉनसून के सीजन में पकौड़े खाने की क्रेविंग कुछ ज्यादा ही होती है। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़ा बनाना आता है तो आपके घर में चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है और इसे आप मीठी चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत डिलीशियस लगता है फ्रेंड्स और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमने किस तरह बनाया है। इसे बनाने के लिए आपने ले लेना है एक बड़े साइज का आलू। एक आलू से आप काफी सारे पकौड़े यहाँ पर बना सकते हो। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आ जाती है फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे कहने पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो। अगर पसंद आ जाती है तो जरूर से जरूर लाइक कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको डेली एक नई वीडियो देखने को यहाँ पर मिलती है। आलू के छीलने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लेने हैं। इस तरह से जितने पतले स्लाइसेस आपसे हो सके एज पॉसिबल वैसे आप कर ले, या फिर आप चिप्स मशीन जो आती है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक आलू से आज हम इस रेसिपी को बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर हाथ से ही इस आलू की चिप्स को इस तरह से कट कर लिया था। और देखिये यहाँ पर हमारी जो चिप्स है वो कट चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसे एक साथ कलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये एक आलू से काफी सारे पकौड़े आप बना लोगे। रेसिपी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यूजफुल हो सकती है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अब इसके पतले पतले से स्लाइसेस हमें कट कर लेने हैं। फ्रेंड्स आप ये सेम रेसिपी प्याज के साथ भी बना सकते हो। अगर आप प्याज के पकौड़े इस स्टाइल में खाना चाहते हो एकदम क्रिस्पी क्रंची से, तो आप इस मेथड में आलू की जगह प्याज को भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो आलू के आज पकौड़े हैं ये बिल्कुल लच्छा स्टाइल बनते हैं और जितने पतले आप स्लाइसेस काटते हो उतने ही ज्यादा आपको क्रंचीनेस मिलती है जब आप पकौड़ों को खाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसके पतले पतले से स्लाइसेस इस तरह से कट करने के बाद इसके लच्छे निकाल लिए हैं। ये देखिए बहुत ही बारीक लच्छे मैंने यहाँ पर निकाले हैं। आपसे भी जितना पतला हो सके उतने पतले लच्छे यहाँ पर निकाले। इसे क्या होगा, पकौड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो लच्छे हैं वो कट चुका है। और अभी क्या होगा, हम इसको वॉश करेंगे क्योंकि अभी इसमें स्टार्च होता है। तो इसे क्या करना है, एक बाउल में हमें निकाल लेना है जिसमें हम इसे ठंडे पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें हम सारे के सारे कटे हुए लच्छे आलू के ऐड कर देंगे। और इसमें अब हमें क्या ऐड करना है, ठंडा पानी। पानी में आपको इसे एक से दो बार ही अच्छे से वॉश करना होता है। लेकिन अगर आप इंस्टेंट इसे बनाने जा रहे हैं तो आप इसे एक बार अच्छे से वॉश करके किसी भी छलनी या स्ट्रेनर पर रख ले। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, आपको एक कपड़ा लेना होगा, किचन टॉवल ले सकते हैं, कोई भी क्लीन कपड़ा आपने ले लेना है। मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया था धोने के बाद। और अब हम इसे डाल देंगे इस कपड़े के ऊपर। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हमारा जो आलू है इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जितना ही कम पानी होगा उतने ही ज्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही हवा में हम इसे छोड़ देंगे, जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब निकल जाएगा। या इसके ऊपर आप एक और एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर इसे अच्छे से पोंछ सकते हैं अगर आप इंस्टेंट इसे बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक छोड़ दिया था हवा में और ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसे एक प्लेट पर निकाल लिया है इस तरह से और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये पकौड़े की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। फिर से हमें इस बाउल में इन लच्छों को डाल लेना है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत जीरा डाला है मैंने। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड करूंगी काली मिर्च का पाउडर। इसमें मैंने स्पाइसेस बहुत ही लेस यूज किए हैं और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बन के ये तैयार होता है। अब इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरी मिर्च यहाँ पर ऑप्शनली है, अगर आप इसे न डालना चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है क्रंच के साथ, तो जरूर से जरूर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसमें हरी मिर्च जरूर ऐड करें। सारे स्पाइसेस को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा स्पाइसेस इसमें आपने ऐड नहीं करना है, ना लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, कुछ भी नहीं ऐड करना है। सिंपल तरीके से ये पकौड़े बन के तैयार होंगे और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी भी होंगे। अब इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर,
नहीं है तो मैदा डाल सकते हैं या फिर आटे का भी यूज यहाँ पर आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास आटा, मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर, अरारोट कुछ भी है आप इसमें डाल सकते हो, बस बेसन नहीं डालना है हम इसमें, या फिर आप इसमें चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर हम इसका उठाएंगे और हाथों के बीच में रखकर इसे हम इस तरह से बाइंड करेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से आपने बस इसे बाइंड करना है और जब आप इसे गर्म तेल में डालेंगे तो ये अपने आप ही बाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल भी ये अलग नहीं होंगे। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर यूज किया है, इसे अच्छे से बाइंड करके रखेगा और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाते जाएंगे और हम गर्म तेल में इसे डालेंगे। और एक टिप देना चाहूंगी यहाँ पर आपको, इसे आपको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, आंच थोड़ी सी भी कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम होती है तो यहाँ पर ये खुल सकते हैं, इनके जो लच्छे हैं वो खुल जाएंगे, इसलिए हाई फ्लेम पर आप इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पकने दे बिना पलटे। तो हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर हल्के से हिलाते हुए इसे पकने के लिए छोड़ा था। शाम की चाय के साथ या अचानक बारिश हो जाए और आपका पकौड़ा खाने का मन करे तो आप इसे बहुत ही जल्दी से बना सकते हो, इसमें बहुत ही कम चीजें जाती हैं और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है, स्पेशली चाय के साथ ये क्रंची पकौड़ा खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स दोनों साइड से आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है, ज्यादा डार्क कलर का आपने इसे नहीं करना है वरना जो आलू है ना उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, इसलिए जितना मैंने फ्राई किया यहाँ पर लाइट गोल्डन बस इतना ही इसे फ्राई करना है। और जब दोनों साइड से यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तब आपने इसे निकाल लेना है, अच्छे से इसका जितना भी ऑयल है इस तरह से निकाल के एक प्लेट पर हम इसे सर्व करेंगे और आपके गर्मा गर्म आलू के जो लच्छा पकौड़े हैं यहाँ पर बनके हो जाते हैं तैयार। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और आप देख सकते हैं इसका एक भी लच्छा खुला नहीं है, हमने इसमें बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लावर का यूज नहीं किया लेकिन इसमें अच्छी सी बाइंडिंग मिल चुकी है और ये यहाँ पर बनके हो चुके हैं तैयार। यहाँ पर मैं इसे मीठी चटनी यानी केचप के साथ सर्व करूंगी, आप इसके लिए धनिया पुदीने की चटनी भी ले सकते हो और इसका क्रंच देख सकते हो कितने ज्यादा क्रंची बने हैं, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बन के यहाँ पे तैयार हुए थे। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसी रेसिपीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो